दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हवा में पराली के कण अब शून्य होने के बावजूद राजधानी में दम घोटू प्रदर्शन का खतरा कम नहीं हो रहा। केंद्र और दिल्ली सरकार खोखली बयानबाजी तथा भविष्य की घोषणा करके लोगों को भ्रमित कर रही है। प्रदूषण से लोग लगातार प्रभावित होकर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में वाहन से होने वाली धुआं और सड़कों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण करने के लिए दोनों सरकार पूरी तरह विफल रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हवा में पराली के कण अब शून्य होने के बावजूद राजधानी में दम घोटू प्रदर्शन का खतरा कम नहीं हो रहा। केंद्र और दिल्ली सरकार खोखली बयानबाजी तथा भविष्य की घोषणा करके लोगों को भ्रमित कर रही है। प्रदूषण से लोग लगातार प्रभावित होकर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में वाहन से होने वाली धुआं और सड़कों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण करने के लिए दोनों सरकार पूरी तरह विफल रही है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि एक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हवा में पराली के कण अब शून्य होने के बावजूद राजधानी में दम घोटू प्रदर्शन का खतरा कम नहीं हो रहा। केंद्र और दिल्ली सरकार खोखली बयानबाजी तथा भविष्य की घोषणा करके लोगों को भ्रमित कर रही है। प्रदूषण से लोग लगातार प्रभावित होकर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। दिल्ली में वाहन से होने वाली धुआं और सड़कों से उड़ने वाली धूल पर नियंत्रण करने के लिए दोनों सरकार पूरी तरह विफल रही है।